जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो BTUP का एग्जाम होने था ऑफलाइन माध्यम से 20 जनवरी 2022 से, एक अपडेट नई निकल कर आ रही है कि अब आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है या पोस्टपोन कर लीजिए, जो भी करना हुआ कर लीजिए, लेकिन आपका एग्जाम चला गया है 15 मार्च 2022 से। आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं, इस अपडेट को मेरे पास लगभग 3500 प्लस स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर कर दिया, सर बताइए आखिर है क्या ये, आखिर ये कैसे कंफर्म हो गया कि आपकी क्या अपडेट। देखिए यहां पे एक मैसेज हिमांशु सिंह करके इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग भेजने लग रहे हैं, सर आखिर ये है क्या, इंस्टाग्राम लेके टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप नंबर हो, हर जगह इस अपडेट को भेजा गया और कहा जा रहा सर जल्दी से बता दीजिए आखिर क्या अपडेट है, क्या एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, क्या एग्जाम हमारे 15 मार्च 2022 से होने वाले हैं। पूरी अपडेट को समझते हैं आइए इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि कोई अगर मतलब ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है तो वेरीफाइड अकाउंट है, थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते हैं, 100% नहीं, लेकिन ये भी अपने स्थान पे कहीं ना कहीं देखने को आपको सही मिलेगा। अभी कुछ ये बातें भी कहें, अभी सब दिखाऊंगा, आप लोग बस वीडियो एंड तक देखिए और सब चीजें समझिए। मैं आपकी जानकारी बता दूं, इसी तरीके से लगातार अपडेट आ रही है, कुछ ना कुछ मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले बता दिया इस तरीके की अपडेट आ रही है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल करीब आ चुका है। जी हां, और इसमें लगातार कुछ अपडेट आ रही हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूं, जब तक BTUP की ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक आप यही मान के चलेंगे कि आपका एग्जाम 20 जनवरी 2022 से ऑफलाइन माध्यम में होना है। लेकिन इस ट्विटर की जो अपडेट है इसको समझते हैं और सब चीजें देखिए। यहां पे फिर एक स्टूडेंट भेजा, सर बताइए सही है या नहीं सही है, इस तरीके से लगातार अपडेट आ रही है। आप पहले देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पॉलिटेक्निक छात्रों की 20 जनवरी से प्रस्तावित जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं इसे क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, छात्रों के संदर्भ में ठीक है छात्रहित में सराहनीय निर्णय लगा लिया गया है, और साथ ही कहा गया कि सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, 15 मार्च से प्रस्तावित है आपकी फिर से परीक्षा। मैं आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि कल के डेट में सभी स्टूडेंट बिल्कुल दिल से सभी ने सपोर्ट किया है ट्विटर पे, और हम लोग लगभग 2 लाख ट्वीट कर दिए थे, ट्वीट या रिट्वीट सब कुछ मिला करके, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, अगर आगे अभी 20 को एग्जाम है ना आने वाले समय, अगर एक दो दिन पहले अभी 19 तक अगर 18 को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक बार फिर ट्विटर ट्रेंड चलाने की कोशिश करेंगे, और उसमें सभी का एक बार सहयोग की फिर से जरूरत है, क्योंकि अभी अभी आप देखेंगे कोरोना के मामले बहुत तेजी से भी बढ़े हैं, साथ ही साथ 23 आपके जनवरी तक ठीक है सभी कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। तो आगे पहले इस अपडेट को समझिए, आगे देखिए सतर्क रहें सुरक्षित रहें, ये चीजें बोल दी गई हैं। ठीक है, आगे और क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं कि 2 हैशटैग चल रहे हैं, आपको अगर ट्विटर पे ट्वीट करना है तो आप लोग इसी हैशटैग के साथ करेंगे। सबसे पहला ये मेन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है, हैशटैग BTUP ऑनलाइन एग्जाम 2022 यही, और साथ ही BTUP एग्जाम पोस्टपोन या पोस्टपोन इस तरीके से। अब आगे आप देख सकते हैं ये नोटिस अभी नहीं आई है, कब इसका सोर्स क्या है, तो देखिए इन्होंने क्या है ठीक है, जावेद मुस्तफा जो जिन्होंने इसको ट्वीट किया है, इन्होंने कहा कि 1 मिनट पहले हुआ है निर्णय, नोटिस निकलने तो दो भाई, मतलब आने में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है ठीक है, लेकिन आप समझिए अभी आपको इसे जाना नहीं है। अभी देखिए यहां पे और लोगों ने भी कमेंट कर दिया, देख सकते हैं यहां पे बहुत शुक्रिया, हमारी मेहनत रंग लाई, इस तरीके से अपडेट आपको देखने को मिली। देखिए यहां पे काफी सारी चीजें, ये तो हार्ट कौन भेज रहा है ठीक है, मतलब सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी अभी मैं देखिए यहां कहा जा रहा है कि जावेद सर आपको इस सूचना के लिए, लेकिन अभी वेबसाइट पर नहीं शो कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं अगर यह अपडेट बिल्कुल सही होगी ना तो आपको जल्द से जल्द ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, जल्द से जल्द, अब थोड़ा टाइम लग सकता है यार, इन्होंने तो ट्वीट करके 1 सेकंड में बता दिया, कहें तो 1 मिनट पहले अपडेट आया। देखिए यहां कह रहे हैं को जल्दी वीडियो बनाइए, तो देखिए अपडेट बहुत तगड़ी, सभी स्टूडेंट कमेंट लगातार आ रहा है इसी तरीके से। आगे देखिए इनका अकाउंट जो वेरीफाई है, बाकी इनके बारे में यहां सब चीजें लिख दी गई हैं, livehindustan.com के पत्रकार हैं शायद ये ठीक है, जो भी चीजें पूरा सब कुछ लिखा गया। अभी देखिए यहां पे इन्होंने एक चीज और लिखी थी, मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं ठीक है, ये देखिए हां यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से अपडेट देखने को मिली थी ठीक है, दिखाता हूं ठीक है, यहाँ पे कुछ अपडेट इस तरीके से देखने मिली थी कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अभी देखिए कुछ टाइम लग सकता है और आपको यहाँ पे क्या किया जाए, आप सभी को यहाँ पे आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट वगैरह तो किया ही गया था, आप लोग को पता ही है, जिससे कि यह असर आपको देखने को मिला है। ये देखिए सभी ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं धड़ाधड़, आप लोग भी बताइए क्या आप लोग का इस पर कहना है ठीक है। बाकी अभी के लिए तो यही अपडेट रही है, और इन्होंने अभी एक चीज़ और भी यहीं कहीं लिखा था ठीक है,
वो अभी दिख नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल आउट ज़्यादा करना होगा, इसी आसपास होगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे अभी एक अपडेट इन्होंने कहा था, मैं कैसे आपको समझाऊं कि है, ठीक है, अब जितना छी उन्होंने बातें बोल दी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद जैसे ही यह कन्फर्म अपडेट हो जाएगी आप सभी को बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है, क्या चीज़ें रही हैं सब चीज़ें। बाकी इन्होंने देखिए सुबह में 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, सोमवार को हो सकता है एक दिन का और इंतजार, लेकिन आज ही की डेट में इन्होंने अपडेट दी है। बाकी देखिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सांसें अटकी हुई हैं, छात्रों को राहत प्रदान की जा, इन्होंने भी ट्वीट करके हम लोग की मदद की है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रही हैं, सब कुछ आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल है। बाकी इन्होंने ये भी ट्वीट किया कि ये सब कुछ चीज़ें बंद रहेंगी, ठीक है। बाकी यही देखिए अपडेट रही है, आप लोग बताइए आप लोग का क्या करना है। मैं तो जो अपडेट रही आप लोग का, इतना कमेंट आने लगा कि अभी देख रहे होंगे कमेंट करते करते में 10-15-20 आ चुके हैं, तो इस वजह से मुझे वीडियोस बनानी ही पड़ गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्वीट एंड रिप्लाईज वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारे तो आए ही हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी इन्होंने एक नया थोड़ा सा ट्वीट में लिखा था कि मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अभी देखो जब ये वीडियो बन रही 3 मिनट पहले इन्होंने कमेंट किया है, ठीक है, मतलब ट्वीट वगैरह किया रीट्वीट में, निश्चित रहिए आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक और ऐसे इन्होंने रीट्वीट किया था और उन्हें बताया था कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आपका जो ये मतलब अपडेट है ये सब आती ही होगी, ठीक है, इन्होंने यही बोल दिया। तो मैं वो चीज खोज रहा हूं, बाकी आप लोग खोज लीजिएगा, ऐसे स्क्रॉल करके मिल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तो यही अपडेट आई, सभी स्टूडेंट खुश नजर दिख रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूट्यूबरों की मदद से, मैं सभी यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर से वीडियोस बना मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट के जो यूट्यूबर्स हैं या कल स्टूडेंट सबको सहयोग से ही ऐसा पॉसिबल लगा। हाँ देखिए यही अपडेट है, इन्होंने कहा ना कोई पूछ रहा था सर कैसे विश्वास हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, भाई बताओ क्या करूँ तुम्हें विश्वास हो जाए, निश्चित रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, खुश रहो, परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है कह रहे हैं कि सर कब तक नोटिस आ सकती है, विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी इन्होंने तो अपडेट दे दी है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ, बाकी तो हमने आपको अपडेट दी है, लेकिन जैसे ही इसकी एक नई अपडेट आएगी कि एकदम 100% कन्फर्म हो गया, ऑफिशियल होगी, हम वीडियो बना करके आपको उस टाइम अपडेट कर देंगे। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना देना, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप वही एग्जाम 20 से मान के चलिए, लेकिन अपडेट आई है, अगर ये बिल्कुल सही अपडेट होगी तो आने वाले अभी कुछ ही घंटों में आपको यह पूरी अपडेट ऑफिशियल साइट पे या ईमेल के माध्यम से प्रिंसिपल को भेज दी जाएगी, जिससे कि सभी स्टूडेंट को बता दिया जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी यही ट्विटर अकाउंट है, आप लोग याद कर लीजिए, देख सकते हैं यही अकाउंट है, इसी से ट्वीट किया गया है, ठीक है। इतने फॉलोअर भी हैं, ब्लू टिक तो लगा ही है, हालांकि ब्लू टिक से 100% नहीं वेरीफाई होता, ये चीज़ें सही ही है, लेकिन मान के चल सकते हैं थोड़ा चीज़ें हैं तभी ऐसा किया गया। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अब मैं मिलता हूं इसकी नए वीडियो में, और तब तक टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि अपडेट सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं अब इसकी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।